बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंशियल के कार्रवाई के खिलाफ श्रेय ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में दोनों कंपनियों के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को शुरू करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। श्रेय ग्रुप के फाउंडर हेमंत कनोरिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि लेंडर को बकाया रकम पर बड़े नुकसान से बचाने के लिए वे केवल आईबीसी के बाहर रिजोल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लेंडर्स का श्रेय ग्रुप की कंपनी पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बकाया है। लिक्विडिटी की कमी, बोरोअर्स की ओर से भुगतान नहीं मिलने और इन्वेस्टर को लाने में नाकाम रहने के कारण श्रेय ग्रुप को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कनोरिया ने बताया कि वे कानूनी विकल्प को नहीं तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जो भी कदम उठाना है वो आरबीआई उठाएगी, क्योंकि उसने पहले ही श्रेय के बोर्ड का कंट्रोल ले लिया है। उनका कहना था कि वे संकट का समाधान चाहते हैं। कनोरिया ने बताया कि श्रेय के बोर्ड की ओर से इन्वेस्टर के प्रपोजल आरबीआई को भेजे जा चुके हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि इस पर कोई फैसला होने तक आईबीसी की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। कनोरिया ने बताया कि आरबीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि अगर आईबीसी के बाहर सेटलमेंट होता है तो इससे लेंडर को बकाए रकम पर बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे देश के सिस्टम का सम्मान करते हैं और आरबीआई और सरकार के फैसले का पालन किया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसा कहना था श्रेय ग्रुप के फाउंडर हेमंत कनोरिया का। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट श्रेय ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।